बढ़ते हैं आगे। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। इसे लेकर आजसू ने राजभवन मार्च किया और सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आजसू ने छात्रों पर दर्ज एफआईआर को भी वापस लेने की मांग की है। जेएसएससी पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश, आजसू का राजभवन मार्च, पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग। जेएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर आक्रोश कम होता नजर नहीं आ रहा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर आजसू आंदोलन चला रही है। इसी के तहत आजसू ने राजभवन मार्च किया। आजसू के कार्यकर्ता मोराबादी के बापू बाटिका के पास जुटे, जिसके बाद राजभवन तक पैदल मार्च किया। जो जेएससी के एग्जाम हुए उसमें जो पर्चा लीक हुआ उसकी जिम्मेवारी किसी के प्रति नहीं है। हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों से छात्र लगातार इस एग्जाम का तैयारी कर रहे थे और उस पर लीपापूर्ति की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव डालाए और इस तरह की चीजें फिर से पुनरावृत्ति न हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार ले। मांग है जो छात्र आंदोलन कर रहे थे संवैधानिक रूप से, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, उनका ऊपर एफआईआर वापस लिया जाए और जो सीजीएल का जो 25-25 लाख में झारखंड सरकार के द्वारा प्रोत्साहित करके नौकरियों के एजेंट के माध्यम से बेचा गया, उस पे जो है जो कानून बना है कि 10 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा, जो सरकार में सम्मिलित है जो बबुआ लोग उनके ऊपर एफआईआर किया जाए छात्रों के ऊपर हटा करके, और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। एसआईटी करके खानापूर्ति से हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं है। आंसू सड़क से लेकर सदन तक ये सवाल उठाएगी और जब तक सीबीआई से जांच की मांग को स्वीकृत नहीं करती झारखंड सरकार, हम लोग का आंदोलन सड़क से सदन तक गूंजता रहेगा। पेपर लीक के खिलाफ आजसू का पिछले एक सप्ताह से आंदोलन चल रहा है। पेपर लीक की सीबीआई जांच के साथ छात्रों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने की आजसू की मांग है। उनकी जांच की जाए, उनको सामने लाया जाए, सो दैट ये अगले फ्यूचर में भी सबको सीख मिले कि आप कुछ भी नहीं कर सकते और हम लोग हैं हमेशा, इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो दोषी है उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि जो बच्चों के करियर की बात है, शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा में बैठ जो अच्छे बच्चे हैं उनको कंपटीशन में सफल होने का भी अधिकार है। तो अगर जेन्युइन मेरिट अगर खत्म होती है तो ये बहुत ही गलत चीज है। 28 जनवरी को जेएससीसी सीजीएल का हुआ था एग्जाम, प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द कर दी गई परीक्षा। 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी कर दी गई स्थगित। पेपर लीक कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन, विधानसभा के अपर सचिव मोहम्मद शमीम गिरफ्तार। शमीम के 2 बेटों को भी एसआईटी ने किया गिरफ्तार। शमीम के दामाद मोहम्मद रिजवान की भी आई संलिप्तता। बिहार विधानसभा में मार्शल है मोहम्मद रिजवान, पटना, चेन्नई, पलामू और रांची से कई गिरफ्तारियां। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राकेश, जेएसएससी सीजीएल पेपर जब इसका प्रश्न पत्र लीक हुआ, कई सपने टूटे, कई उम्मीदें टूट गई। ये उम्मीदें जो 10 साल पहले लगाई गई थी, 10 साल के बाद ये परीक्षा हो रही थी और एक उम्मीद थी कि अब जाकर नियुक्तियां होंगी अगर परीक्षाएं हो रही हैं तो। लेकिन नियुक्तियां तो छोड़िए, परीक्षा का परिणाम भी आने से पहले परीक्षा चली रही थी और पेपर लीक हो गया। लेकिन जब एसआईटी ने जांच शुरू की, जब नाम सामने आ चुका है कि ये लोग इसमें संलिप्त थे, सबसे पहली बात तो सवाल ये उठ रहा है कि जो इसके संचालक हैं वो अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जेएसएससी को जो कंडक्ट कर रहे हैं वो अब तक क्यों बचे हुए हैं? उनको लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और जांच का जिम्मा पुलिस अधिकारियों को मिला है, तो शायद बड़े अधिकारियों पर हाथ डालना थोड़ा उन्हें उचित नहीं लग रहा है? क्या ये वजह रह सकती है? देखिए आरती, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खास करके सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से अब सीबीआई जांच की जो मांग चल रही है उसके पीछे तर्क भी है और कुछ तथ्य सामने भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये सवाल खड़ा किया था सुदेश महतो ने सत्र के दौरान, खास करके विशेष सत्र के दौरान, और उसके बाद से उनके ही विंग्स जो छात्र यूनियन है वो अब सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है और मांग की जा रही है कि सीबीआई की जांच कराई जाए। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई कारण बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से हमारी तमाम नेताओं से भी बातचीत हो रही है और कुछ जानकार लोगों से भी
बातचीत हो रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है इसमें कई अधिकारियों की संलिप्तता बताई जा रही है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ सफेदपोश लोगों के भी नाम खुला सामने आ पाएंगे, तो इसकी जांच अगर सही तरीके से होगी तब कई नाम सामने आ सकेंगे, नहीं तो सारे लोग कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अब छात्रों के भविष्य का सवाल है और जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उसमें SIT जरूर गठित की गई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन मुख्य सरगना या फिर मुख्य साजिशकर्ता को कहीं ना कहीं गिरफ्त में लाने की कोशिश की जानी चाहिए और इसके लिए अब आजसू की तरफ से पूरी ताकत के साथ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब इसकी जांच CBI से भी कराई जाए और साथ साथ जिन छात्रों पे मामले दर्ज कराए गए हैं उसको भी वापस कराई जाए। जी ये वापस कराने की तो मांग है ही, लेकिन CBI जांच की मांग को अगर हम देखें, इसलिए भी मैंने पहले ही कहा राकेश कि शायद इसलिए ये मांग है कि अगर केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी तो ये निष्पक्ष जांच हो पाएगी और इसलिए ये मांग जोर से उठाई जा रही है, ये जोर शोर से ये मांग इसलिए उठ रही है कि अगर आप डिपार्टमेंट के ही लोगों को अगर जांच का जिम्मा सौंपते हैं तो कहीं ना कहीं ये असर पड़ेगा कि बड़े अधिकारी हैं उनको कैसे इंट्रोगेट किया जाए, उनके खिलाफ कैसे इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन जब केंद्रीय एजेंसियां जांच करेंगी तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी और जल्दी से हो पाएगी, ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नीरज सिन्हा का नाम आया है, पूर्व DGP रह चुके हैं और साथ साथ जिन्हें जांच का जिम्मा दिया गया है वो निचले स्तर के अधिकारी बताए जाते हैं, तो ऐसे में SIT भी किस तरीके से जांच करेगी, एक समय वरीय अधिकारी रह चुके हैं नीरज सिन्हा, तो ऐसे में उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है और इसीलिए तमाम छात्र संगठन, आजसू पार्टी, आजसू के छात्र विंग्स सभी लोग चाहते हैं कि इसकी जांच ऐसी कराई जाए जैसे CBI जैसी एजेंसी से कराई जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि में जो लोग संलिप्त हैं उनको भी चेहरे सामने लाने की जरूरत महसूस की जा रही है क्योंकि ये लंबा चल रहा था, लंबे समय से ये पूरी तरह से चल रहे थे प्रश्न पत्र लीक का मामला और तब जाकर जब एग्जाम कंडक्ट कराने की नौबत आई तो जिस एजेंसी को दिया गया था उसमें किसका किसका तालमेल था, किसके किसके सहयोगी थे उनके, और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अब आगे इस तरह की चीजें ना हो इसके लिए भी ये जरूरी है कि जांच के बाद से सामने तमाम चीजें लाई जाए जिससे आने वाले भविष्य में छात्रों को बेहतर ढंग से एग्जाम लिए जा सके और उन्हें एक बेहतर सुविधा दी जा सके। जी बिल्कुल, और अगर ये जांच जल्दी होती है और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होती है तो ये संदेश बेहतर तरीके से जा सकेगा कि जो भी अब इस तरह के कारनामे में संलिप्त होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी होगी, इसलिए बेहद जरूरी है कि ये जांच जल्द से जल्द पूरी हो, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों के हाथ ही क्यों ना हो लेकिन पूरी हो और एक सबक जरूर मिले ऐसे लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश आपका और तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।